सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू वंशिका ब्यूटी वर्ल्ड। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आ गई हूँ, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि मैम वाइन का जो फेशियल होता है उसे स्टेप बाय स्टेप करने का एक ट्यूटोरियल आप हम लोगों के साथ शेयर कीजिए, उसका रिजल्ट शेयर कीजिए। मतलब काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो लेकर आ जाती हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसमें आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि हमें क्या क्या करना होता है वाइन के फेशियल में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, समर्स का वैसे भी वेदर हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी जो है बाहर के वेदर में है, और गर्म हवाएं, लू और डर्ट पोल्यूशन वाली हवा जो है हमारी चल रही है अभी वेदर में, ठीक है। तो उसके हिसाब से आज मैं आपको बताऊंगी कि वाइन का फेशियल करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं स्किन को, और किस टाइप से हमें करना चाहिए वाइन का फेशियल। तो यहाँ पर मेरे पास है न्यूट्री ग्लो की वाइन फेशियल किट, ठीक है। इसका जो फर्स्ट स्टेप है ये है डीप क्लिंजर, स्टेप वन है ये इसका। तो स्टेप वन अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लिंजर देखिए कुछ इस टाइप का है, जेल फॉर्म में इसका हल्का सा क्लिंजर है। इससे क्या होता है, पहले हमारी स्किन के अंदर, पोर्स के अंदर जितने भी डर्ट पोल्यूशन या फिर कुछ भी इम्प्योरिटीज़ होती है, कई लोगों के ब्लैक हेड होते हैं, वाइट हेड होते हैं, तो उनको जो है रिमूव करने में ये बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। और क्लिंजर के भी एक दो स्टेप होते हैं जो आपको आने चाहिए क्लिंजर करते टाइम, फेस पे क्लिंजर करते टाइम। जो हम अगर अपने बने बनाए स्टेप करेंगे, मतलब जो हमारे प्रोवाइडेड स्टेप होते हैं, तो अच्छी तरीके से फेस क्लिंज भी हो जाएगा और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, जितनी भी गंदगी है फेस के अंदर, वो सब निकल जाएगी। ऐसे सिर्फ हाथ चलाने से मतलब नहीं होता है, हमें जो है एक एक्सपर्ट की तरह स्टेप हमें यूज़ करने चाहिए फेशियल में। देख सकते हैं फॉरहेड के आसपास जो फाइन लाइन हमारी हो जाती है एजिंग के साथ साथ, तो उसको भी रिमूव करता है ये क्लिंजर। तो क्लिंजर जो है यहाँ पर आप स्टेप एक बार देख लीजिए, इन स्टेप के साथ अगर आप क्लिंजर करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से होगा, ठीक है। तो क्लिंजर हमारा मिनिमम होना चाहिए 2 से 3 मिनट के अंदर, 2 से 3 मिनट के अंदर उसकी एप्लीकेशन हो जानी चाहिए। एप्लीकेशन होके, मसाज वगैरह सब कुछ होके 3 मिनट मैक्सिमम हमारा क्लिंजर की मसाज होनी चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर जो स्माइल लाइन होती है हमारी, उस पर भी इस टाइप का स्टेप करना है हमें। देन हमें गीले टिश्यू से, पानी के अंदर भीगा हुआ ये टिश्यू है, उससे जितना भी क्लिंजर हमारा किया था उसको रिमूव कर देना। और टिश्यू मैंने जिस तरीके से पकड़ा है, आप उसका जो है तरीका एक बार आप नोटिस कर लीजिए, क्योंकि कई बार जो है टिश्यू हमारे हाथ से फिसलता रहता है और अच्छी तरीके से क्लिंज नहीं हो पाता, ठीक है। इस टाइप से आप टिश्यू को पकड़िएगा। अब आ जाते हैं इसके सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप जो है इसका वो है स्क्रब, ठीक है। फर्स्ट क्लिंजर था, सेकेंड है स्क्रब। स्क्रब को बहुत ही माइल्ड हाथों से बहुत ही धीरे धीरे करना होता है फेस के ऊपर, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ हाथों से स्क्रब करेंगे तो हमारी स्किन के अंदर स्क्रैचेस आ जाएंगे, और जो कि हमें फेशियल के बाद नज़र आते हैं। जैसे आप देखते होंगे कई लोग हमारे पास कंप्लेंट लेकर आते हैं, या आपने खुद ने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि स्क्रब करने के बाद काफ़ी सारे जो है फेस के ऊपर रेडनेस आ जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि फेस जो है छिल गया है, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर हमें अवॉइड करना है, उस चीज़ से अगर हमें बचना है, तो उसके लिए जो मैं आपको यहाँ पर स्टेप्स बता रही हूँ उसको आप लोग फॉलो कीजिए। और स्क्रब में जो मेन चीज़ होती है वो यही होती है कि स्क्रब में सिर्फ आपकी उंगलियों का यूज़ होना चाहिए, मतलब जो भी आप स्टेप कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपके फिंगर और थंब का यूज़ होना चाहिए। जो आपका पाम होता है, हथेली होती है, हथेली का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्क्रब का यही मेन जो है मोटिव होता है, क्योंकि अगर हम हथेली का यूज़ करेंगे तो हमारा जो है प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और स्क्रब में हमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना होता है। इम्प्योरिटीज़ को इसमें भी, क्लिंजर में भी इम्प्योरिटी साफ़ होती है, बस थोड़ा सा लाइटली होती है, मतलब हल्की हल्की होती है। और स्क्रब में जो है अंदर पोर्स के अंदर तक जितनी भी हमारी गंदगी भरी होती है वो सब निकल जाती है, ठीक है। तो नोज़ के आसपास और हमारी जो लाफ लाइन होती है उसके आसपास अच्छी तरीके से करेंगे। नोज़ के ऊपर काफ़ी लोगों के ब्लैक हेड, वाइट हेड होते हैं, तो उनके लिए ये वाला स्टेप आप ज़रूर कीजिए, जिस टाइप से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये सभी स्टेप जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ वो सभी हमें जो है फेशियल के हर स्टेप में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और अगर आप लोग भी ये वाइन का फेशियल परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। न्यूट्री ग्लो का ये वाइन फेशियल किट है मेरे पास, जिसमें टोटल आई थिंक 6 स्टेप हैं, ठीक है। देखिए ये वाला स्टेप भी बहुत अच्छा होता है,
चिक्स के ऊपर से जितनी भी इम्प्योरिटीज है, कई लोगों के आपने देखा होगा पिगमेंटेशन होती है, झाइयाँ होती हैं गालों के आसपास, नाक के आसपास, फॉरहेड के ऊपर, तो उनके लिए जो ये वाला स्टेप है ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इसका। एक एडवांटेज ये है कि इससे जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो थोड़ा सा तेज़ हो जाता है, जिससे कि हमारे जो पिगमेंटेशन होती है यानी कि ब्लैकनेस पड़ जाती है फेस के ऊपर, झाइयाँ हो जाती हैं, उनको रिमूव करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, इस टाइप से फिंगर क्रॉसिंग स्टेप है, इसे भी आप लोग ज़रूर कीजिए। मतलब जितने भी स्टेप मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ उसको अगर आप एक बार फेशियल में ट्राई करेंगे तो आपको अपने स्टेप से, जितने मतलब आप लोग स्टेप करते होंगे उससे जो है एक अलग ही इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से देखिए पूरा अच्छी तरीके से स्क्रब हमें कर देना है। मैं आपको सारे स्टेप इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जो मैंने पहले फेशियल की वीडियो डाली थी उसमें कमेंट आए थे कि मैम आपने जो है थोड़ा सा फास्ट पे कर दिया इसे, तो इसलिए मैंने अभी ज़्यादा फास्ट पे नहीं किया है, तो जिससे कि आप लोग सारे स्टेप अच्छे तरीके से देख पाएँ, और अगर आप इसे देख देख के भी फेशियल कर रहे हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, स्क्रब जो है हमारा मैक्सिमम होगा 5 से 6 मिनट की मसाज होगी स्क्रब की। 5 से 6 मिनट के बाद हमें स्क्रब को अच्छी तरीके से वाइप ऑफ कर देना है, और वाइप ऑफ इस तरीके से करना है, अभी आपको आगे पता चलेगा। स्क्रब में जो है छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, आप लोगों को पता होगा, वो पार्टिकल जो है हमारे स्किन को साफ करने में हेल्प करते हैं, और स्क्रब के बाद हमारी क्रीम की मसाज होती है। ठीक है, तो हमें जो है स्क्रब को इस तरीके से साफ करना होता है कि जितना भी वो पार्टिकल है वो सब हमारे फेस के ऊपर से निकल जाए, मतलब कि झड़ जाए। अगर आप गीले टिश्यू से कर रहे हैं तो भी आपको जो है छोटे छोटे पार्टिकल सबको रिमूव करना होता है, क्योंकि अगर एक भी पार्टिकल, हम उसे दाने दाने भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर एक भी पार्टिकल हमारे फेस के ऊपर रह जाएगा तो जब हम क्रीम की मसाज करेंगे तो जो वो क्रीम की मसाज होगी ना, वो हम थोड़ा सा टाइटली करते हैं क्रीम की मसाज, तो जो पार्टिकल है वो हमारी स्किन के ऊपर स्क्रैचेस क्रिएट कर देगा, मतलब कि हमारी स्किन के ऊपर वो उस पार्टिकल की वजह से थोड़ा सा छिल जाएगी स्किन। तो यहाँ पर अभी तो मैं टिश्यू से साफ कर रही हूँ, जितने भी पार्टिकल है उन अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, टिश्यू को बार बार हमें साफ करके ही स्क्रब को छुटाना है। ठीक है, गीला टिश्यू है ये मेरे पास, इसको पानी में भिगो के साफ करके फिर हमने सारे पार्टिकल फेस के ऊपर से हटा दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से सारे पार्टिकल स्क्रब के वो फेस के ऊपर से निकल गए हैं। अब आ जाते हैं हम थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप इसका जो है वो है जेल, और कई फेशियलों में थर्ड स्टेप जो है वो क्रीम होता है, तो यहाँ पर जो है थर्ड स्टेप जेल है। जेल को हमने ले लिया है, जेल को हमें पूरे फेस एंड नेक पर अप्लाई कर देना है, नोज पे, फॉरहेड पे। ठीक है, जेल और क्रीम की जो मसाज होती है वो थोड़ी सी टाइट होती है, जिससे कि हमारी स्किन जो है अपलिफ्ट हो जाए, मतलब ऊपर की साइड उसका खिंचाव रहे। जैसे स्किन जो है हमारी 25-30 के बाद से जो है थोड़ा सा लटकना शुरू कर देती है, तो उसको ही हमें उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए ये जो फेशियल जो है हमें नीड होती है फेशियल की। कई लोग कमेंट करके पूछते हैं मैम जो क्लीनअप होता है और फेशियल होता है इसमें आप डिफरेंस बताइए, तो क्लीनअप जो है यही डिफरेंस है इनके अंदर, जो मेजर बड़ा डिफरेंस जो है वो यही है कि क्लीनअप आप ले सकते हैं अगर आप अंडर 20 या फिर अंडर 25 हैं। ठीक है, उसमें जो है आपकी स्किन इतनी मैच्योर नहीं हुई होती है जिसमें कि आपको फाइन लाइन आ जाए या फिर लाफ लाइन क्रिएट हो जाए या फिर और भी पिगमेंटेशन वगैरह, हमारी 25 तक नहीं होती है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम स्किन के ऊपर नहीं होती है। तो जो हल्का फुल्का हमारे स्किन के अंदर इम्प्योरिटी होती है, गंदगी होती है, उसको रिमूव करने के लिए हमें क्लिंजर कराना होता है। तो साफ बात अगर हम सिंपल बोलें तो ये है कि क्लिंजर अगर आप 25 से कम की एज के हैं तो आपको क्लिंजर लेना चाहिए, और अगर आप अबव 25 हैं, 25 से अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको महीने में एक बार 30 की एज तक आपको एक बार मंथ में फेशियल ज़रूर लेना चाहिए, और अगर आप 30 से भी अपर्व हैं, मतलब आप 31, 32, 33 के हैं, तो आपको मंथ में मैक्सिमम 2 बार फेशियल ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब जो है जेल की मसाज कंप्लीट हो गई है, अब आ जाते हैं हम क्रीम की मसाज पे। क्रीम यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट पिंक कलर की इसकी क्रीम है, काफ़ी जो है क्रीम के अंदर फॉर्म है, और बहुत ही मॉइस्चराइजिंग क्रीम थी इसकी, बहुत ज़्यादा नरिश कर दिया था क्रीम होने के बाद, अभी आपको एंड में दिखेगा। क्रीम की मसाज भी मैंने आपको जैसे कि बताया टाइट होगी, जिससे कि हमारा जो है फेस अपलिफ्ट होगा, फेस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो जितनी भी हमारे फेस के ऊपर प्रॉब्लम होगी जिससे फाइन लाइन होती है, लोगों की पिगमेंटेशन होती है, उन सबको भी रिमूव करेगा।
सबसे पहले हमने जो है स्टार्ट किया है वो है नेक पे से। नेक पे से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम ऊपर की साइड आएंगे, ठीक है। चिन पे आ गए हैं। और एक आपको जो है मैं बात इम्पॉर्टेंट बता दूँ, इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप किसी भी स्टेप, जो भी स्टेप आप कर रहे हैं, सब में जो है आपका हाथ हमेशा ऊपर की साइड चलना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा हाथ जो है ऊपर की साइड चल रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारी स्किन है वो ऊपर की साइड खींचेगी, यानी कि जैसे कि हमारी स्किन लटक रही होती है तो वो नीचे को लटकती है। अगर हमें उसे ऊपर अपलिफ्ट करना है तो हमें उसे ऊपर की साइड, सारे स्टेप ऊपर की साइड करने होंगे। तो कोई भी स्टेप आप ऐसा ना करें जिसमें कि आपकी स्किन जो है और ज्यादा लटक जाए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट वाइट जो है इस क्रीम के अंदर अभी स्टार्च है, तो ये जो स्टार्च है ये पूरा हमारे फेस के अंदर जाना चाहिए। तो जब तक ये क्रीम पूरी फेस के अंदर नहीं जाती है, जब तक हमें क्रीम की मसाज करते रहना है। चीक्स पे आप देख सकते हैं इस टाइप से मसाज करनी है, देन हमें आना है थोड़ा सा चिन की साइड और फिर हमें पूरे फेस को अपलिफ्ट करना है। तो यहाँ पर आप जो है अभी इन सभी स्टेप्स को अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। आईब्रो को अपलिफ्ट करना है, आईब्रो कई लोगों की जो है झुक जाती है इस एज में आके, 25-30 के बाद जो है हमारी स्किन जो है थोड़ा लटकना चालू कर देती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसके लिए आपको जो है अपनी आईब्रोज वगैरह और चिक्स को अच्छी तरीके से अपलिफ्ट करना है, फॉरहेड को अपलिफ्ट करना है, ठीक है। और फेशियल का सबसे मेन मोटिव यही होता है कि जो भी हमारा क्लाइंट है या फिर हम जिसके भी कर रहे हैं उसे जो है एक रिलैक्सेशन फील हो, ठीक है। अगर आपके कस्टमर को, आपके क्लाइंट को रिलैक्स नहीं मिलेगा तो उसे फेशियल का जो है उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखें कि सारे स्टेप जो है हमें जेंटल करने हैं, आराम से करने हैं, प्यार से करने हैं, ताकि जो है हमारा क्लाइंट, कस्टमर जो भी है उसको जो है अच्छे तरीके से रिलैक्स मिले और उसको रिलैक्स के बाद ऐसा लगे कि हाँ मेरे फेस पर ग्लो आया है, ठीक है। और अगर आप वाइन का फेशियल कर रहे हैं तो उसमें तो ग्लो आएगा ही आएगा, बट आपको जो है किसी भी अच्छी कंपनी का वाइन का फेशियल लेना है। VLCC का भी आता है और रागा का भी आता है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका वाइन का फेशियल आता है। तो अगर आपको वाइन का फेशियल कराना है तो आप लोग अच्छी कंपनी से लेकर ही कराइए। मेरे पास न्यूट्रीग्लो का है, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मुझे मिले हैं। ब्लीच मैंने जो है अभी नहीं कराई है, अगर आप लोग चाहते हैं ब्लीच की वीडियो भी अपलोड करूँ तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। क्रीम आप देख सकते हैं धीरे धीरे पूरी स्किन के अंदर चली गई है। और अगर आपको समझ में आ रहा है फेशियल तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ, ठीक है। देख सकते हैं कितना अच्छा जो है ग्लो अब मेरे फेस के ऊपर यहाँ पर आ गया है। लास्ट में एक बार ये वाला स्टेप कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है हमारी क्रीम की मसाज कंप्लीट हो जाएगी। देख सकते हैं आप, क्रीम की मसाज कंप्लीट होने के बाद टिश्यू को थोड़ा सा गीला करके हमें फेस के ऊपर इस टाइप से रख देना है। ये गीला टिश्यू है, अभी इसे हमें थोड़ी देर रखे छोड़ देना है। देन हमें जो 5 स्टेप है वो है पैक, 5th स्टेप। जब तक हमने टिश्यू फेस के ऊपर रख रखा है तब तक हम यहाँ पर इस पैक की प्रिपरेशन कर देंगे। पैक में थोड़ा सा रोज़ वाटर मिला के इसे जो है हम मिक्स कर लेंगे। देन टिश्यू को हटाएंगे, टिश्यू को हटाने के बाद जो हमारी जो एक्सेस क्रीम लगी होगी फेस के ऊपर वो सब उसके साथ रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब लगा देते हैं 5th स्टेप, ये है पैक। पैक को पूरे फेस पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर देंगे। पैक लगाने का तरीका तो आप सबको आता ही होगा, पैक भी हमें ऊपर की साइड ही लगाना होता है, ठीक है, क्योंकि पैक जो है जब सूखता है तो हमारी स्किन को अपलिफ्ट करता है, यानी कि ऊपर की साइड खींचता है। और इसकी अपोजिट जो होती है वो होती है ब्लीच। ब्लीच हमेशा हमें बालों की डायरेक्शन में लगानी चाहिए, क्योंकि बालों की डायरेक्शन जो है हमारी फेस की नीचे की साइड होती है, आपने देखा होगा ईयर के पास भी और यहाँ पर गाल के पास भी हमने देखा होगा, फेस की जो डायरेक्शन है वो नीचे की साइड होती है। तो ब्लीच को हमेशा हमें नीचे की साइड लगाना है और फेस को हमेशा हमें ऊपर की साइड अपलिफ्ट करते हुए लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे फेस और नेक पर मैंने अच्छी तरीके से फेस पैक लगा दिया है। इसको जब तक ये सूख नहीं जाता तब तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फेस पैक ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में सूख गया था। देन इसे रिमूव करने का तरीका ये है कि आप अपने हाथ को या फिर गीला कर लीजिए या फिर आप वाटर स्प्रे जो होता है हमारे पास जिसके अंदर रोज़ वाटर होता है उससे जो है अपने फेस को पहले एक बार से गीला कर लीजिए, देन हमें गीले टिश्यू से इसे रिमूव करना है, ठीक है। इसका जो पैक है वो थोड़ा सा क्रीमी है तो हमारा आसानी से रिमूव हो गया। अगर आपका पैक थोड़ा सा टाइट होता है जो बिल्कुल जम सा जाता है
उसके लिए ये वाला स्टेप जो है आप यूज़ कर सकते हैं कि आपको फेस को पहले स्प्रे से गीला कर लेना है, देन हमें इसे रिमूव करना है। फेस पैक रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा सा ग्लो आ गया है एक फेस के ऊपर, और इससे जो है गर्मियों के अंदर हमारी स्किन जो है डिहाइड्रेट हो जाती है, स्किन के अंदर पानी की कमी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए ये वाइन जो है बहुत अच्छा है। इससे जो है एंटी एजिंग ये होता है वाइन का फेशियल, और तो और इसमें जो है काफ़ी सारे वाइन के ऐसे गुण होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर जितनी भी कमियां होती हैं उसको जो है रिपेयर करते हैं। तो 6th स्टेप यहाँ पर आ गया है इसका सीरम, सॉरी मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 स्टेप है, तो ये जो 6th स्टेप है थोड़ा सा एडिशनल है, न्यूट्रीग्लो ने एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट में जो है हमें सीरम को अप्लाई कर देना है, सीरम इस टाइप से ही अप्लाई होगा और सीरम को हमें फेस पे से हटाना नहीं है। आपने देखा सारे स्टेप जो है हमने जेल और क्रीम को छोड़कर हमने सारे स्टेप जो है फेस पे से क्लींस करे, बट हमें जो है जेल क्रीम और सीरम को फेस पे लगा छोड़ देना है, हटाना नहीं है, ठीक है। इस टाइप से लाइट लाइट जो है फिंगर टिप की हेल्प से हमें मसाज करनी है सीरम की, देन सीरम जब तक सूखेगा इसके बाद आप जो है पूरा लुक यहाँ पर मेरा देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आ गया है। ये मैंने किया है न्यूट्री ग्लो का रेड वाइन फेशियल। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, वीडियो आप लोगों को समझ आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो में आपको किस टॉपिक पे लेकर आऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको न्यूट्रीग्लो फेशियल का लिंक मिल जाएगा, अगर आप लोगों को परचेज़ करना है तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।